जिस तरह से कहा जा रहा था, और कैसे स्पीकर साहब का जो चैम्बर है उसको किस तरह से बाहर घेर करके, और उसके बाद जहां स्पीकर का आसन है उसको किस तरह से किया जा रहा था, उसके आगे जो सब कुछ होता था वहां पर किस प्रकार की गतिविधियां की गई, ये सबको मालूम है। इस तरह का तो कभी व्यवहार होता नहीं है। आज बोल रहे हैं कि पुलिस वाले आई, तो स्पीकर साहब के हाथ में है पूरी स्थिति को नियंत्रित करने के लिए, वो कोई भी सेवा ले सकते हैं और ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन जो कुछ भी किया वहां पर आज तक, क्या कोई विधान स्पीकर के चैम्बर के बाहर इस तरह से कभी कोई किया? आज तक बंधक थे, बंधक बना दिया, और वो एक मीटिंग बुलाए थे, उस मीटिंग में भी एक एक बात कही गई, वो बंधक बना दिए गए, और उनका जो आसन है विधानसभा के अंदर उसके साथ किस प्रकार से किया गया व्यवहार, और कितनी जगह जितने प्रोसीडिंग्स को जो नोट करते हैं उसकी, उसको किस तरह से हटाया गया, तोड़ा गया, पेपर वेट फेंका गया पूरा, किस प्रकार से लोगों पर फेंका गया, यहां तक कि लोग कह रहे हैं कि बहुत चीजों को फेंका गया। तो ये सब तो गतिविधियां विचित्र है, ऐसी गतिविधि तो आज तक कभी नहीं हुई है, इसलिए ये तो उन लोगों को सोचना है। लेकिन कुल मिलाकर के सब चीज को देखते हुए, बर्दाश्त करते हुए, सब कुछ पूरी की पूरी गतिविधियां आगे बढ़ी हैं, और जो विधेयक को लाना था वो विधेयक आया है और पारित हुआ है।